मेरी आवाज मिल रही सभी को? बोलिए। मेरी आवाज आप सभी को मिल रही है? आवाज मिल रही सभी को? हाँ, चलिए। तो हम लोग आज के सेशन में, सेशन थोड़ा लंबा होगा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में पूरे में इसमें कंप्लीट यानी कि करीब करीब 70-80 क्वेश्चन जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं आपके इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए, वो सॉरी मतलब ज्योग्राफी से जुड़े हुए, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो देखेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर याद रखिएगा कि जैसा कि अभी हमने आपको बताया शुरू में ही कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये वो सभी प्रश्न होंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये आपके वही सारे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, और आपको ये भी बता दें कि ये जो आप अभी ये लेट्स क्रैक यूपी टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप इसके माध्यम से इसमें आपको पीडीएफ लिंक तमाम कुछ यानी वो आपको सभी ज़रूरी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम की डिमांड है, तो इसे ज़रूर जुड़िएगा। और चलिए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, हमने जैसे कि पहले ही बताया आपको, पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके एग्रीकल्चर से होंगे और उससे मिसलेनियस एरिया से होंगे। तो और ये आपका मेगा सब्सक्रिप्शन प्लान है, जैसा कि हम बराबर आपको बताते रहते हैं कि इसमें आप जो है ज्वाइन करके यहाँ पर आप तमाम कुछ यानी वो सभी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी आपको एग्ज़ाम की जो कि आपके एग्ज़ाम की डिमांड है। तो चलिए, और ये आपको विजेता टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिल जाएगा ये कि आपको यहाँ पर 1 रैंक लाने पर 100%, 2 से 3 रैंक लाने 50%, 4 से 25 रैंक लाने पर 25% का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो इसमें देर ना करिए, तुरंत ज्वाइन करिए ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक? और ये विजय भाव टेस्ट सीरीज है, जैसा कि आप हमने बताया आपको शुरू में ही, किसे आप ज्वाइन करके यहाँ पर आप इसको जो है इसमें जो भी मेंस में जैसे आपका आंसर राइटिंग वगैरह आता है वो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, तो बिना किसी देरी के तुरंत इसको ज्वाइन करिएगा और आगे लिंक को फॉरवर्ड करिएगा। हम भी फॉरवर्ड कर दिए सबको, और भी फॉरवर्ड कर देंगे एक दो बच्चे हैं लोगों को, ताकि आप लोग भी जुड़ सके इसमें से, ठीक है? और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? बताएं जल्दी से, देखें कौन बताता है। बताइए। बताओ ये कहाँ पर स्थित है, पहले तो ये बताइए, उसके बाद की बात हम लोग आगे करेंगे। बताओ, विजयनगर इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है, बताएं। तो विजयनगर इस्पात कहाँ केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो देखो आप इसे मैप के जरिए समझिएगा ऐसे, ये कर्नाटक है, ठीक है? ये क्या है? कर्नाटक। और इसी कर्नाटक में आप देखोगे कि यहाँ पर एक राज्य एक जगह पड़ती है जिसका नाम है विजयनगर, और ये वही विजयनगर है जहाँ पर आपने नाम सुना होगा कि कृष्ण देव राय यहाँ के एक शासक हुआ करते थे, ठीक है? और कृष्ण देव राय जहाँ के शासक हुआ करते थे, आपने उनका नाम तो सुना ही होगा,
कृष्ण देव राय जो कि यहाँ के कृष्ण विजयनगर के शासक थे, उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने यहाँ पर और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किसने, यानी विजयनगर राज्य की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, हरिहर बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे। क्या नाम था उनका? हरिहर बुक्का। ठीक है, तो अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने और ये जो है विजयनगर साम्राज्य जो है बहुत ही बड़ा और यहाँ के एक सबसे पॉपुलर राजा हुआ करते थे जिनका नाम कृष्णदेव राय है, ये वही कर्नाटक का एरिया है। अब दूसरी बात, यहाँ पर स्टील प्लांट भी है और इसके अलावा में भी दो स्टील प्लांट हैं, और जो इसके अलावा में जो स्टील प्लांट हैं उनके नाम बता देते हैं आपको। उसका नाम है भद्रावती, भद्रावती, यानी इसके अलावा में जो स्टील प्लांट है वो है भद्रावती, आप पता होगा आपको। ठीक है, तो इसके अलावा में जो स्टील प्लांट है उनके नाम को याद रखना है, भद्रावती है, इसी को एम विश्वेश्वरैया कहा जाता है। और जो एम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट है ये जो है आपका भारत के पहले नामी ग्रामी इंजीनियर, जो विख्यात इंजीनियर थे, उनके नाम पर रखा गया। और वो इंजीनियर साहब का नाम आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, उनको उनको नाम ही था एम विश्वेश्वरैया, जो कि बहुत ही प्रकंड इंजीनियर रहे थे। और उन्होंने ही भारत के आर्थिक नियोजन पर पहली किताब लिखी थी 1934 में, जिस किताब का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी आर्थिक नियोजन पर लिखी गई पहली किताब जो अगर कोई है तो वो कौन सी थी, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, 1934 में लिखी गई थी। ठीक, अगला है लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, बताइएगा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन सा है। बताइए, ठीक, इनमें से कौन सा लौह उत्पादक क्षेत्र है, बताइएगा। ठीक है, तो लौह उत्पादक जो क्षेत्र है इनमें वो है आपका, देखो झारखंड में कोयला बहुत निकलता है, क्या होता है यहाँ पर, कोयला। उड़ीसा में यहाँ पर आपका लोहा निकलता है बहुत बड़े लेवल पर, लोहे के अलावा बॉक्साइट भी है। मध्य प्रदेश में कोयला भी निकलता है और इसमें कोयले के साथ साथ लोहा भी है। छत्तीसगढ़ में लोहा भी है, तो सबसे ज्यादा कोयला भी है छत्तीसगढ़ में, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो उड़ीसा में है। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में, ये कहाँ है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, बताइएगा। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, बताइए। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, ठीक, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, बताओ। तो एशिया का सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो बच्चा कहाँ है, वो है गुजरात के भुज में, गुजरात के भुज में है। भुज वाला एरिया जहां पर रन ऑफ कच्छ है, यानी ये अगर इसे मैप के जरिए देखोगे तो ये वाला एरिया है, इसे कहते हैं हम लोग रन ऑफ कच्छ। ठीक, ये सबसे बड़ा एशिया का कहाँ है, गुजरात में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न कर रहा है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है असम में, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में। ठीक, तो अंकलेश्वर जो तेल क्षेत्र है वो कहाँ पर है,
बताइए। तो ये देखो कहाँ पर है, ठीक यहां पर आएगा। अंकलेश्वर यहां पर है, ये रन, ये जो है, ये कहलाती कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक। तो यहां पर कहां है अंकलेश्वर, ये है आपका गुजरात में है। अगला है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है, यानी रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थित है बताइए। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र अवस्थित है, बताओ। तो रावत भाटा कहां पर है, राजस्थान में। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक। और यहीं पर याद रखिएगा, जो रावण धाता परमाणु ऊर्जा केंद्र वो राजस्थान में कहां पर है, राजस्थान में जहां पड़ती, नाम सुना होगा आपने, और उस जगह का नाम है, आपको पता होगा सबको, अगर नहीं पता तो सुन लीजिएगा, उस जगह का नाम है जो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र है जहां पर, वो जगह का नाम आपको पता होगा। और वो जगह है कौन सी पता है, वो है जहाँ लोग आईआईटी नीट की तैयारी करने जाते हैं, वो है आपका कोटा, ठीक, वो कोटा में है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था बताओ। बताइए। बताइए, देखो इनमें अगर सभी जितने भी हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र, बहुत ज्यादा नहीं है, इनको याद भी रख सकते हो बहुत आसानी से। परमाणु ऊर्जा केंद्र तो कौन कौन से हैं, देखो तो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र में देखोगे, एक तो आपका नरौरा है, रावत भाटा है, काकरपारा है, कैगा है, इस तरीके के हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 20-22 हैं, तो उनको याद रख सकते हो। तो पहला जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ठीक। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड।
ये कहाँ है? बालाघाट मध्य प्रदेश में है और मैग्नीज का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? बताएं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? चलिए, तो देखो कहां पर किया गया था? तारापुर। कहां है तारापुर? महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो, भारत और निम्नलिखित में से वह कौन सा लौह अयस्क नहीं है? देखो, ऐसे समझो कि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो एंथ्रेसाइट है, ये जो है एक लोहे की प्रजाति, सॉरी कोयले की प्रजाति है। बाकी ये भी लोहा है, ये भी लोहा है और ये भी लोहा है, यानी सब लोहा है। यहीं से अन्य से भिन्न, जैसे अक्सर देखा जाए एग्जामों में पूछा जाता है कि अन्य से भिन्न बताओ, जैसे ठीक है तो अक्सर पूछ लेता है, जैसे समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। ठीक, तो उसी तरीके से इसमें भी अन्य से भिन्न को पहचानने को आ जाता है। तो अन्य से भिन्न का मतलब होगा यहाँ पर कि ये जो लोहा है, बाकी नहीं, ये कोयला है, बाकी सब ये हैं। ये जो लोहा जो है, सॉरी कोयला, ये सबसे उत्तम किस्म की नस्ल है कोयले की। अगले पर आते हैं, कह रहा कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? बताएं। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? बताइए। बताइए। देखो, एक होता है, दो तरीके के होते हैं ये। एक होता है परंपरागत, ठीक, एक होता है गैर परंपरागत, ठीक। वो है, दूसरा कौन सा होता है? गैर परंपरागत। और जो गैर परंपरागत होते हैं उनमें याद रखिएगा, जो गैर परंपरागत होते हैं, जिन्हें हम लोग नॉन ट्रेडिशनल कहते हैं,
तो गैर परंपरागत में कौन आता है, जैसे आपका सूर, जैसे सौर ऊर्जा। ठीक, सौर ऊर्जा हो गई। इसी तरीके से गैर परंपरागत में और देखोगे और क्या आएगा यहाँ पर, गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा के अलावा में आप देखोगे यहाँ पर ठीक, तो गैर दूसरी आती है विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी के अलावा में और देखोगे तो विंड एनर्जी के अलावा में फिर आपको दिखाई देगी और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जियो थर्मल एनर्जी है, ये भी नॉन ट्रेडिशनल में आती है। तो ये सब नॉन ट्रेडिशनल में आते हैं, तो यहाँ पर करा गैर में सौर ऊर्जा आएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बहुत कुछ, बहुत कुछ से इन द सेंस ये आपको यहाँ पर मिलेंगी बहुत सारी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड, और वो भी अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल लें, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, सब कुछ मिलता है आपको सिर्फ एक क्लिक पर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, बताओ कौन सा जो है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। बताएं, मोबाइल डाउन हो जाता है बहुत जल्दी, बताइए बस जल्दी से बताइएगा। बताइए, तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, ये आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कहाँ है, बुलंदशहर में है। अगले पाते हैं, करा रत्नागिरी निम्नलिखित में से किस राज्य का, राज्य में स्थित खनिज क्षेत्र है, रत्नागिरी किस में है बताएं। ठीक है, तो रत्नागिरी किस में है तो बताइएगा। तो देखो रत्नागिरी एक महाराष्ट्र में है, ठीक कोस्टल एरिया में है। तो अगले सवाल पे आते हैं, और अगला सवाल कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे गोंडवाना क्रम का कोयला पाया जाता है। तो इनमें देखो पहली बात तो यह ध्यान रखना, भारत में जितना भी कोयला होता है उसका 98% जो है ठीक, तो वहां पर जो है बताइए।
बताइए। देखो बताइए। आवाज मिल रही सबको ठीक ठाक? देखो कहीं भारत में या आप ये 98% जो कोयला आता है वो आपका आता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। बताइए तो इसका क्या सही होगा? झारखंड। उसके बाद अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से भूरा भूरा हीरा किसे कहते हैं? तो भूरा हीरा किसे कहते हैं जरा देखें, बताएं आप किसे कहते हैं। तो भूरा कोयला इसे किसे, भूरा हीरा किसे कहते हैं? इसे कहते हैं मैग्नीज को। और मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो बताइएगा मेसाबी रेंज किससे संबंधित है। बताइए। बताइए। तो ये अमेरिका में लौह इस्पात के लिए जानी जाती है, सॉरी लौह अयस्क के लिए। ठीक है। तो सलेम किससे संबंधित है जरा इसे बताइएगा। बताइए। ये किससे संबंधित है? तो देखो ये एक
लौह इस्पात केंद्र है तमिलनाडु में, लौह इस्पात केंद्र है तमिलनाडु में है, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला कह रहा है, हुबली किस राज्य से संबंधित है बताइए, हुबली किस राज्य से संबंधित है बताइए। ये क्या कर रहे थे आप? हाँ नहीं तो उसका ले, हाँ जी, नहीं तो उसका उसका नहीं नहीं तो उसका लिंक तो आप कभी भी शेयर कर सकते हैं ना, हमने व्यवसाय वो तो हटी हुई है, लग नहीं लगी है। अच्छा चलिए अभी क्लास हो जाए फिर बताते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हुबली किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, हुबली जो है वो किस राज्य में स्थित है? हुबली जो है वो कर्नाटक में है, और यहीं पर याद रखिएगा वो ये मुख्यालय वहां पर ये भी है हुबली में। दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पर आपका एक वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, अरे दक्षिण पश्चिम मध्य, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, किस में है? बताए तो उदयपुर जो है ये है राजस्थान में। भारत में कोयले के निक्षेप का लगभग 80% किस प्रकार की चट्टानों, किस प्रकार का है? ये भारत में जो कोयला पाया जाता है उसका 80% भाग जो है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, जरा बताइएगा। बताइए तो भारत में 80% जो कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं
उसमें कहाँ होगा बताइए। तो उसमें क्या 80% जो होता है वो बिटुमिनस के होते हैं। अगला है कि बताइए। नोएडा जो है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। अगला है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, बताइए। तो सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में? कर्नाटक में है, और वो खान कौन सी? कोलार। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है बताइएगा? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, बॉक्साइट, याद रखिएगा, अल्मोनियम का अयस्क होता है, और सबसे ज़्यादा ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, तो ये कहाँ होगा? उड़ीसा में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का प्रमुख तेल क्षेत्र है? ये कौन सा जो है वो तेल क्षेत्र है बताइएगा। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ तेल क्षेत्र प्रमुख है? तो असम का है। अगला है, तरल सोना किसे कहते हैं?
तो तरल सोने की बात अगर हम लोग करते हैं तो याद रखिएगा, तरल सोना जो है वो आपका किसे कहा जाता है, कोयला, तांबा, सोना, पेट्रोलियम, किसे कहते हैं बताओ? अगले पर कह रहा है कि कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण, अनवीनीकरण पूछ रहा है, नवीनीकरण नहीं, अनवीनीकरण कौन सा होता है? जल, सौर, ताप या पवन? बताओ, देखें कौन बताता है। तो बताइए, तो ये जो होता है कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण, अनवीनीकरण का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होगा, वो सॉरी कभी जो जो खत्म हो जाएगा, तो कोयला खत्म, ताप खत्म, काम खत्म, टाटा बाय बाय। डली राजहरा कौन सा खनिज पाया जाता है, तांबा, लौह अयस्क या बॉक्साइट या कोयला? तो कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें डल्ली राजहरा में लोहा होता है। अगला है, निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन सा झारखंड में नहीं है, बोकारो, गिरडी, सिंगरेली, झरिया? बताएं। चलिए बताइए। तो कोयला खदानों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो, कोयला खदानों में बोकारो झारखंड में है,
गिरडीह झारखंड में है, सिंगरैली आंध्र प्रदेश में है, झरिया झारखंड की सबसे बड़ी खान बल्कि भारत की सबसे बड़ी खान है। तो ये सही आंसर है। अगला शिव समुद्रम स्थित है, शिव समुद्रम जल स्थित है कहाँ है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो देखो, शिव समुद्रम की बात करोगे तो शिव समुद्रम दुनिया जानती है। शिव समुद्रम जो है ये आपका जो है तो ये कर्नाटक में है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर नहीं करा, तांबे के स्थान पर अगर किस धातु का प्रयोग किया जाए? अगला है प्रगति, इलाहाबाद ये टेस्ट सीरीज है, ये आपका जो है करंट जो इसकी टाइमिंग है 8 बजे से शाम को, और ये रहेगी आपको 40 नंबर मिलेंगे आपको इसमें, 2 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। अगर आपको यानी 2 साल के ऊपर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर आपको ये आती रहे कि 1, 2, 3, 4 तो 25% सब इस पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इलाहाबाद प्रगति का भी उद्गम पेपर फर्स्ट का जो मिनी कोर्स है ये, और उद्गम पेपर फर्स्ट का, यानी दो यहाँ पर ये आरओ के मेंस के हैं, एक में साइंस यानी बायोलॉजी रहेगी और एक में आपका हिस्ट्री एंड आर्ट यानी कल्चर ऑफ इंडिया रहेगा। उद्गम इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजिक एंड गाइडलाइंस रहेंगी, उसमें गाइडेंस रहेगा। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? बताइए। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, कोडरमा जो है वो अवरक के लिए जाना जाता है, ये अवरक की राजधानी कहलाता है। खेतड़ी किस लिए फेमस है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बार पूछा जाता है, बताएं। बताइए। बताइए। देखो खेतड़ी किस लिए फेमस है,
ये तांबे के लिए है। तांबे के लिए पता ही आपको, बहुत फेमस जगह है और राजस्थान में है ये, ठीक है, राजस्थान में। अगला है बैलाडीला किस लिए। देखो, एक तो ये बहुत बार पूछा जा चुका, दूसरी बात यहाँ से ये भी पूछा जाता है इसका निर्यात कहाँ होता है, बॉक्साइट है, तांबा है, लोहा है, सोना है, क्या है। नहर कटिया पेट्रोलियम किसके लिए जाना जाता है। अगला है नवेली किस लिए फेमस है। बताइए। तो ये क्या होगा, ये तमिलनाडु का है। अगला है काकर पारा परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। कर्नाटक में है, गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में है, बताइएगा, बताएं बच्चा।
काकरपारा कहाँ है? ये गुजरात में, सॉरी, ये कहेगा कर्नाटक में, ठीक है। कोयले का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ, किसके पास है बताओ? बताइए, भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है? तो भंडार की अगर आप बात करोगे तो भंडार में सबसे ज्यादा झारखंड के पास है, पूरी दुनिया, भारत में सबसे ज्यादा। और हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, जो कि आपको पता होगा बहुत ही पॉपुलर गैस पाइपलाइन है, वो कहाँ से होकर नहीं गुजरेगी? महाराष्ट्र से नहीं गुजरी। और देखो, उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, 12 महीने की जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जो 24 नवंबर से लेकर बैच शुरू हो रहा है, वो 12 महीने का है। और एक आपका 21 और फरवरी 2021 से चल रहा है, ये मेंस का बैच है। तो दोनों बैच ये प्रॉपर चल रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये उद्गम नाम से जो पेपर फर्स्ट है, जिसकी ड्यूरेशन 3 महीने की रहेगी, हिंदी भाषा का है। और इसमें उसी के साथ में एक मेंस जीएस पार्ट जीएस का जो सेकंड पेपर है वो चल रहा है, जो कि आपका अजय सर द्वारा इसकी जो है आंसर राइटिंग कराई जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये सब पेड कोर्स हैं, ठीक। और इन कोर्सेज में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, विजय भाव, ये जो है आपका यहाँ पर एक टेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज है, जो कि आपको मेंस में मिलेगी। और इन सभी के लिए इन आपको एक सब्सक्रिप्शन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसमें 2 साल का जो है वो 13,600, 13,600। इसी में क्या होता है, आपको 10% डिस्काउंट दिया जाता है। इस डिस्काउंट के बाद फिर आ जाता है 12,240 रुपये। फिर आपको इसी के आगे यहाँ पर जो एक सब्सक्रिप्शन आपका जो सुपर सुपर काम्बो सब्सक्रिप्शन प्लान है, वो आपको रहता है यहाँ पर, जो कि 6 महीने का है। इसकी फीस इतनी, 12 महीने के लिए 10,220 रुपये है। और कभी भी कोई वीडियो में अगर आप ऐसा कंटेंट पाते हैं जो आप लोग को लगता है कि इन रेलिवेंट है, तो उसे आप तुरंत क्लेम करके रिपोर्ट करके आप एक इनाम जीत सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? देखिए, अगला है मुंबई हाई किस लिए जाना जाता है? बताइए। तो ये काहे के लिए है? ये पेट्रोलियम के लिए है। अगला, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये बताइएगा, सबसे बड़ा करा कि इसका खनिज तेल का भंडार, देखो अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल सबसे ज्यादा जो भंडार है वो आपका है वेनेजुएला के पास, ठीक है, वो है वेनेजुएला के पास।
ठीक, वेनेजुएला के पास। आप वेनेजुएला ऑप्शन में नहीं है, तो वेनेजुएला के बाद दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब। ठीक, अगला है मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कहाँ पे है बताएं? बताइए। तो मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ये सबसे बड़ा भंडार जो है वो उड़ीसा में है। अगला कह रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र आगरा, फैजाबाद, कानपुर या झांसी कहाँ है? बताइए। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान केंद्र जो है वो कहां पर है? तो ये दलहन शोध संस्थान केंद्र कानपुर में है, और कानपुर में आपको पता भी होगा, ये जहां पर आप देखते होंगे जो यूनिवर्सिटी है, यानी यूनिवर्सिटी के लगभग ये अपोजिट साइड में है, और उसी के सामने से जो रोड निकला है वो NH यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 है। ठीक है, और उसी को हम लोग शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं, उसी को GT रोड। अगला है भारतीय सब्जी शोध संस्थान बनारस, लखनऊ, मैसूर या बेंगलोर? बताएं। देखो यहाँ पर जो सब्जी शोध संस्थान केंद्र की बात करी जा रही है, तो आपको भी पता होगा कि जो सब्जी शोध संस्थान केंद्र है वो है बनारस में। कहाँ है? बनारस में। और बनारस में एक दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र की जो रीजनल ब्रांच है वो भी बनारस में ही जो है वो स्थापित की जाएगी, यानी यहीं पर बनेगी। ठीक है, मैसूर में खाद्य अनुसंधान केंद्र है, लखनऊ में CDRI है, NBRI है, बैंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। ठीक, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? यानी वानिकी संस्थान का मतलब जो आपका, जिसे हम लोग फॉरेस्ट्री बोलते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, उसकी बात कर रहा है, तो किस में है बताइएगा। बताएं। बताइए, भारतीय वानिकी शोध संस्थान केंद्र किस शहर में स्थित है? बताइए, तो किस शहर में स्थित है? देखो, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि किस शहर में स्थित है, तो आपको क्या बताना है? देखो यहाँ पर कह रहा है कि बानकी, तो बानकी कहाँ है? देहरादून में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ, नागपुर कहाँ है बताएं। तो ये कहाँ है? केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान केंद्र ये कहाँ पर है? ये केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान केंद्र जो है ये कहाँ है बताएं? तो ये है लखनऊ में। अगला कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जी पॉल को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, जे एस थॉमस थॉमस को, या इनमें से कोई नहीं बताएं। बताइए, तो किसे माना जाता है? तो ये भारत में अगर पूछता है तो एम एस स्वामीनाथन को, जबकि संसार में अगर पूछा जाता है
तो आपको लगाना है संसार के बारे में, अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको लगाना होगा किसे? तो आपको लगाना है संसार में, अगर पूछ ले तो आपको लगाना होगा नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रारंभ की गई? सातवीं, पांचवीं, दूसरी, तीसरी, बताइए। बताइए। तो कहां पर की गई थी बताओ तो? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में आई थी, ठीक है। हरित क्रांति का मतलब जो खाद्यान्न उत्पादों में वृद्धि के लिए था। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? बीज, उर्वरक और सिंचाई में क्रांति, खाद्य सुरक्षा में क्रांति, कृषि क्रांति या बहुफसली क्रांति? बताइए। तो ये क्या है? एक खाद्य सुरक्षा में क्रांति थी, ठीक। अगला है, अगला प्रश्न आपसे करा, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, यानी इसका मेन उद्देश्य क्या था, बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य देखो, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जो खाद्यान्न है इनके उत्पादन में वृद्धि करना, इनका यानी जो मेन थीम थी वो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनकी जो मुख्य जो यानी इसका जो पूरा एक मेन थीम थी वो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से संबंधित थी, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था, यानी सबसे ज्यादा इसका असर किस फसल में दिखाई दिया? बताएं। की बैठक बताइए। तो किससे संबंधित है ये बताइएगा, ये हरित क्रांति से किससे संबंधित है बताइएगा? दवाई लेनी है, जल्दी बोलो। अच्छा, नहीं, तो ये हरित क्रांति का संबंध किससे है? चावल से है, गेहूं से है, दालों से है या आपका गन्ने से है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है इससे संबंधित है ये हरित क्रांति, जैसा कि आपको पता भी होगा ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इसमें आपको याद रखिएगा, हरित क्रांति जब भी आए तो एक ही ऑप्शन आपको लगाना है, और वो लगाना है खाद्यान्न, ठीक। और खाद्यान्न में कौन आता है? गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट फसल इनमें, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा वो सबसे ज्यादा इसका असर भी जो अगर किसी फसल को दिखाई दिया था तो वो इसी में था, यानी खाद्यान्न में, बाकी और इतना असर कहीं नहीं दिखाई दिया था जितना इसमें दिखाई था। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस में देखा गया? क्वेश्चन वही आ गया जो अभी हमने बताया था आपको जस्ट तुरंत, बताओ। सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ देखा गया? बताएं।
सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखा गया वो कहां पर देखा गया? गेहूं पर। गेहूं के बाद चावल पे, चावल के बाद फिर और मोटा अनाज। ठीक, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में, कहाँ सबसे ज्यादा सफल रही? और सफल रही तो आखिर क्यों रही? तो सबसे ज्यादा सफल रहने का इसका मेन कारण था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीनें और इस एरिया के किसानों का फाइनेंशियली मजबूत होना, क्योंकि इस एरिया के जो किसान थे वो फाइनेंशियली इतना मजबूत थे, क्योंकि जो महंगे फर्टिलाइजर, महंगे उर्वरक, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को इनको यूज कर सकते थे। बाकी जो, क्योंकि इसमें क्या था, कीटनाशक और इनका बहुत बड़ा रोल था। तो अब जब किसान के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो यहाँ से इनको यूज कैसे करेगा, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति कृषि लाने के लिए कृषि नीति का अंग नहीं रहा है? ठीक है, तो कृषि नीति का अंग नहीं रहा, तो ये एमएसपी का कोई मतलब नहीं इसका था। ठीक है, अगला है हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया था, किसके लिए? उच्च उत्पादन को दर्शाने के लिए किया गया था, तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। अगला है वैश्विक उत्पादन में अधिकतम उपज देने वाली फसलें कौन सी हैं? वैश्विक उत्पादन में अधिक उपज देने वाली फसलें कौन सी हैं? तो कौन सी हैं सबसे ज्यादा देता है? देखो, तीन याद रखिएगा, चावल, गेहूं और मक्का। मक्का को कहते हैं चावल की, यानी खाद्यान्नों की रानी। ठीक, अगला है आपका ऑप्शन, कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न उत्पादन का भागीदारी कितनी है? बताओ। कुल फसल प्रतिशत के रूप में बताना है। भागीदारी कितनी है? देखो, 70% ये है भागीदारी, यानी भारत में जितनी फसलें हैं उनमें से 70% जो है इस पर जो होता है वो किसकी खेती होती है? खाद्यान्नों की होती है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक
नहीं, सबसे ज्यादा जो है उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है गेहूं का, बताइए। बताएं। अच्छा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, बताइए। जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है इनमें? तो सबसे बड़ा उत्पादक, देखो उत्पादक होना अलग चीज है और उत्पादकता होना अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। उत्पादकता तो उत्पादक मतलब यहां पर कुल उत्पादन से संबंध होता है, और उत्पादकता का मतलब होता है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता। दोनों में यही फर्क होता है, ठीक। तो बताइएगा। तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। यानी भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जाती है, यानी जो भारत में गेहूं की वैरायटी है उनमें से किसकी खेती की जाती है, बताइए। बताओ, देखो अगला है, निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती ही नहीं करता, यानी भारत का कोई ऐसा भी राज्य जिसमें गेहूं की खेती ही नहीं होती है, तो कौन सा है बताइएगा। बताइए। तो देखो, तो क्या कह रहा है यहां पर, गेहूं की खेती तमिलनाडु नहीं करता है। अगला है, भारत में
कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है? बताइए तो ये कहाँ है? ये जो है अप्रैल में काटी जाती, तो ये गेहूं की फसल होती है, और ये सब कौन सी फसलों में होता है? रबी की फसलों में होता है। ऐसा कह रहा है कि के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न फसलों में विशेषता गेहूं यानी मुख्यतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि दर्ज की गई, वो कब, किसमें, बताइएगा जल्दी से। तो 1965 के बाद, 1965 के बाद हुआ क्या, जब तक हरित क्रांति आ चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? मक्का, जौ, गेहूं, चावल। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है वो बच्चा कौन सी है, याद रखिएगा, वो सबसे महत्वपूर्ण फसल है आपके यहाँ की गेहूं, और यहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें डाउन्स कहा जाता है। ठीक, डाउन्स कहा जाता है। और अगला है, भारत में फसलों के कुल क्षेत्र का अधिकतम किसकी खेती के अंतर्गत आता है? सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत आता है? चावल के अंतर्गत आता है। और उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूं है, जौ है, चावल है, ज्वार है, कौन सी है? उत्पादन की दृष्टि से तो सबसे ज्यादा चावल है भारत में, लगातार भारत में सबसे ज्यादा उपभोग में आने वाली फसल ये भी चावल ही है। और सबसे भारत में जो सिंचाई जो होती 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाले एरिया में जो होती है वो चाय की खेती होती है, और ये एक जो है वो बाजरे की प्रजाति थी। निम्नलिखित में से किसे भारत का चावल का कटोरा कहते हैं? राज्य पूछता तो छत्तीसगढ़, एरिया पूछे तो कृष्णा गोदावरी। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, जैसा कि हमने बार बार बताया आपको, विश्व में चीन, दूसरे नंबर पर भारत है। एजोला क्या होता है? एक बायो फर्टिलाइजर होता है जो कपास, चावल की खेती के लिए काम आता है। चाय की खेती होती है कहाँ? पहाड़ी ढलानों पे होती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जड़ों में पानी ना भरे इसलिए ऐसा किया जाता है। और अगर ये सिचुएशन दी गई है तो यह सिचुएशन पर सिर्फ चाय ही हो सकती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो वो चाय के बागान सबसे ज़्यादा असम में है। दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय की अगर खेती की पूछता है तो आपका सब सही आंसर तमिलनाडु होगा, क्योंकि नीलगिरी क्षेत्र। सबसे उत्तम किस्म की चाय दार्जिलिंग में होती 2004 में, इसी को GI टैग भी दिया गया था। काट छांट जो है चाय के लिए अनिवार्य होता है, झाड़ी नुमा पौधा होता है, और चाय निर्यात नहीं करता है तो यूनाइटेड किंगडम आयात करता है, बल्कि निर्यात का। और कॉफी जो होता है एक उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होती है, चाय भी उष्ण कटिबंधीय झाड़ी होता है, और अधिकतर जो है वो भारत में जो चाय होती है वो अरेबिका किस्म की होती है। तो आज के लिए बच्चा लोगों इतना ही, फिर अभी हमारी मुलाकात आपकी कल 11 बजे आपसे होगी इसी चैनल पर, तो फिर मिलेंगे हम लोग। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर